जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेपी पाठशाला में। तो आज हम सीखेंगे कुछ नया और सबसे शानदार ट्रिक, यानी कितना बड़ा भी नंबर आप दोस्तों ले लीजिए उसको 9 से डिवाइड करने का एक अद्भुत ट्रिक। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। पहला दोस्तों टाइप 1 है, ये टाइप 2 है, उसके बाद दोस्तों टाइप नंबर दोस्तों हम 3 करेंगे। टाइप 1 में ये है, जैसे 611 को 900 करना है, 231 को 9 से करना है, और ये कितना बड़ा भी नंबर लीजिए उसको आपको 9 से डिवाइड करना है। सबसे पहला स्टेप क्या ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे 6 है तो 6 लिखना है, 5 रहे तो 5, यानी पहला डिजिट जो भी है उसको सेम का सेम हमको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे 6 है, 6 में 1 है तो 1 ऐड करके 7 लिखना है, 7 में 1 है तो 1 ऐड करके दोस्तों आपको 8 लिखना है। फिर क्या करना है, दाएं से एक अंक के बाद दशमलव, यानी 67.8 इसका आंसर हो गया। आप इसको कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 231 भागा 9, हमने क्या बताया, 2 है तो 2 लिखिए, 2 के बाद यहाँ 3 है तो 2 में 3 को ऐड कीजिए 5 होगा, 5 में 1 को ऐड कीजिएगा 6, 6 होगा, और हमने क्या बताया, दाएं से एक अंक के बाद दशमलव, यानी 25.6 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि हमने क्या बताया है, 3 है तो 3 उसको लिखे रहना है, उसके बाद करना है 3 में 1 को ऐड करेंगे 4 होगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 होगा, 6 में 0 ऐड करेंगे 6 ही होगा, और 6 में फिर 2 ऐड करेंगे क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, आप बताए दाएं से एक अंक बाद दशमलव, यहाँ दशमलव दीजिए और ये इसका आंसर हो गया। ये था दोस्तों टाइप नंबर 1। अब हम क्या करेंगे टाइप नंबर 2। एकदम दोस्तों ध्यान से वीडियो देखते रहना है और अंत तक बने रहना है। क्या करेंगे, बस वही काम, अगर 6 है तो 6 लिखेंगे, उसके बाद क्या करना है, 6 के बाद 2 है, 2 उसमें ऐड कीजिए क्या होगा, 8, हमने 8 लिखा, 8 में आप क्या करना है, 4 ऐड करेंगे क्या होगा, 12, 12 लिखेंगे, लेकिन 12 का 2 लिखना है और 1 जो हासिल जिसको हम कैरी बोलते हैं ये पिछले वाला नंबर पर डाल देना है। लेकिन ध्यान रखना है, जो कैरी आप यहाँ देंगे उसी कैरी को उठाकर आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 1 हो गया आपको 3, 2 1 दोस्तों कितना है 3, 3 में क्या कीजिए 4 को ऐड कीजिएगा, यहाँ पे 7 होगा और 7 को लिख देना है, बस वही काम। आप क्या कीजिए, 7 का 7 होगा, 2 1 3 होगा, 8 1 9 होगा, 6 1 7 होगा, लेकिन हमने क्या बताया था अंत में, और दाएं से एक अंक बाद के बाद दशमलव, यानी यहाँ देंगे दशमलव, यानी इसका आंसर होगा 693.7 इसका आंसर होगा। अगर आपको समझने में थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से बने रहिए। हमने क्या बताया, 4 है तो 4 लिखेंगे, उसके बाद क्या करना है, 4 में 8 को ऐड करेंगे कितना होगा, 12, 12 का 2 लिखना है, 1 जो हासिल बच गया ये पिछले वाले नंबर पे तो लिखना ही है लेकिन इस नंबर पे हमेशा लिख देना है। उस बाद कितना, 2 1 3 होगा, 3 में 6 को ऐड कीजिए 9 होगा, 9 में 5 को ऐड कीजिए कितना होगा, 14, 14 का 4 लिखना है, 1 हमेशा यहाँ लिखना है जो हासिल आएगा, जो हासिल आप यहाँ लिखेंगे उस हासिल को आप यहाँ पे लिख देंगे और दोस्तों बस ऐड कर देना है। 4 1 5 होगा, 9 1 10 होगा, 2 1 3 1 4 होगा, 4 1 5 1 6 होगा। फिर क्या करना है, दाएं से एक अंक के बाद दशमलव, यानी 5 के बाद आप दशमलव दीजिए, इसका आंसर होगा 640.5। और दोस्तों क्या कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान करना है, अगर आप 611 को 9 से जब कैलकुलेटर में भाग देंगे तो आप गौर करेंगे 67.888, यानी दशमलव के बाद जो अंक आएगा वो हमेशा रिपीट करता जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 25.666, यानी 6 क्या होगा, रिपीट करता चला जाएगा। और दोस्तों हम क्या लेंगे, आप टाइप नंबर 3 लेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहे। दोस्तों यह है टाइप नंबर 3, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप होगा। इसमें भी क्या करना है, बस थोड़ा सा इसमें हम चेंज करेंगे लास्ट में, एकदम गौर से वीडियो में बने रहना है। 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 में आप क्या कीजिए, इस 2 को ऐड कीजिएगा 7 होगा, 7 में 1 को ऐड कीजिएगा 8 होगा, और 8 में इस 1 को ऐड कीजिएगा 9 होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब इसका हम आंसर देंगे ये जो लास्ट वाला अंक है यानी 9, 9 को आप क्या कीजिए, 9 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा। तो हम क्या बताएंगे, जब इसका आंसर लिखने जाएंगे तो इस जो 1 जो बचेगा भाग पर इसको इस नंबर पे लिख देना है, लेकिन जब हम ऐड करेंगे तो 9 के बदला 0 देंगे। हमने क्या बताया, जब इकाई अंक पे 9 आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, 9 के बदला 0 देंगे और 1 पिछले वाला नंबर पे कैरी चढ़ा देंगे। तो दोस्तों 8 1 9 हो जाएगा, अब
सात का सात, पांच का पांच, और लास्ट में हमने क्या बताया था, दाएं से एक अंक बाद दशमलव, यानी यहाँ दशमलव दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 579। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप दोस्तों ध्यान से गौर करेंगे, ये चार है तो चार लिखेंगे, चार में वन को ऐड कीजिए पांच होगा, पांच में फिर जीरो को ऐड करेंगे पांच ही होगा, पांच में चार ऐड करेंगे नौ होगा, नौ में दो ऐड करेंगे ग्यारह। ग्यारह में क्या कंडीशन था, ग्यारह को एक लिखेंगे, पिछले वाले नंबर पे एक लिखेंगे, जो यहाँ पे कैरी लिखेंगे वही कैरी को यहाँ लिखना है। अब क्या करेंगे, एक एक दो और सात कितना होगा नौ। हमने क्या बताया, जब इकाई अंक पे अगर नौ आ जाए, हमने क्या बताया था, जब इसको जोड़ने का वक्त आएगा नौ के बदला हम जीरो लिखेंगे, लेकिन एक कैरी हमेशा यहाँ पे लिखेंगे। कब दोस्तों, जब इकाई अंक पे नौ आ जाए तब। आप क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए, एक एक दो एक तीन होगा, नौ एक दस, पांच एक छ, पांच और यहाँ पे चार। आप क्या करेंगे, दाएं से एक अंक बाद दशमलव, यहाँ दशमलव दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 4560 3, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।